गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड ऑफ व्लॉग। सो गाइस, आज 17 मार्च और कल मैं जाने वाला हूँ बजाने के लिए, बाहर कहीं जाना है वहाँ भी जाने वाला हूँ कल। तो अभी मैं जा रहा हूँ नीचे लंगर में चाय पी कर जाके। अभी बज रहा है 7:15 और चलो फिर चाय पीने जाता हूँ। तो गाइस, ये रही चाय, ये रहे बिस्कुट और अंदर अभी दरबार में कीर्तन हो रहा है। गाइस, अभी मैं आ चुका हूँ चाय पीकर और अभी हम घर का काम करना है। ये सब, ये तो जोड़ दिया, ये सब जोड़ जोड़ के वहाँ में रखना है कोना में, और छोटा मोटा घर का काम करेंगे जैसे झाड़ू झूड़ू मारना है। और पहले तो ये वाला कुर्ता जो मैंने पहना है इसको प्रेस करना है क्योंकि इसमें वॉट आ चुका है। ये देखो, यहाँ में थोड़ा अजीब सा हो चुका है, ऐसे हो चुका है, तो इसलिए इसको प्रेस करना पड़ेगा। तो इसको प्रेस करूँगा कुर्ते को और घर के काम करके ब्लॉग को अपलोड करना है कल के ब्लॉग को। तो सब काम ख़त्म करते हैं और ये प्रेस, तो ये हो चुकी है गरम, अभी प्रेस करता हूँ। 8-10 और प्रेस कर लिया है कुर्ता को, पता नहीं पहले से तो ठीक ही दिख रहा है। तो अभी जा रहे हैं खाना खाने के लिए लंगर में, तो चल चलते हैं। पहले धूप लगी हुई थी, अभी मौसम ऐसे हो गया जैसे बारिश आने वाली है। सभी टाइम हो रहा है 9:08 और अभी का सीन ये है कि अभी घर का काम कर रहा हूँ मैं, तो झाड़ू पोछा वो सब सब करना है। और कल जहाँ हम लोग जाने वाले हैं ज्ञानी जी के साथ, जो जाना है मुझे तबला बजाने के लिए, तो उसका भी तैयारी चूरी करके रखना पड़ेगा। पजामा कुर्ता तो अभी धूप में डाला है, लेकिन धूप ही अट गई है, अभी ऐसे लग रहा है बारिश आने वाली है। देखते हैं, अगर आई तो आई, नहीं आई तो नहीं आई। तो फिर पजामा कुर्ता सब सब प्रेस प्रूस करके रखना पड़ेगा। और फिर पग आ चुकी है, 3 पग जो पीको करने के लिए दी थी तीनों आ चुकी है अभी। वो सब अभी मार लाने के लिए उसको पानी में डुबा के रखते हैं, तो उसका जो सारा मार है वो उतर जाएगा, एकदम सॉफ्ट हो जाएगी पग, जो पहनने में आसानी होगी पहनने में। तो अभी माँ पानी में डुबा देता हूँ, तो बस एक ही पग को डुबाऊँगा और 3 है और वो तो दूसरे दिन पहनना है। तो कल है और परसों का है प्रोग्राम। जो पग पीको करने के लिए दी थी तो वो आ चुकी है जैसे कि मैंने बोला पहले, तो वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो ये है पग, तो इसके अंदर है 3 टोटल पग है, तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। सबसे पहले आप ये जो डार्क रेड कलर की है, दूसरी आप ये है पिंक कलर की, और तीसरी है ये हरी। तो इसको ये तीनों जो पीको करते हैं तो डबल साइड काट देते हैं, जैसे 7 मीटर की थी ये, बीच से फाड़ के इसको पीको किए। मैं आपको खोल के भी दिखा देता हूँ। ये देखो पीको, ये मारी हुई है, तो यही है। अभी मैं कल ये वाली पग पहनूंगा और परसों को ये वाली, जैसे कि जो 18 है, आज तो 17 होगी, 18 तारीख को मैं पहनने वाला हूँ हरी वाली, और 19 तारीख को जो यहाँ में प्रोग्राम है हरजोत का पग सरमनी का, तो उसमें मैं पहनूंगा रेड कलर वाली। कल तो सुबह को निकलना पड़ेगा, 8 बजे हम लोग को निकल जाना पड़ेगा यहाँ से। तो वो जो वैन होती है जिसमें गुरु ग्रंथ साहिब को लेके जाएंगे होली बुक को, तो उसमें हम लोग जाने वाले हैं। ज्ञानी जी जाएंगे, मैं जाऊँगा। तो अभी मैं ये पक को भिजा देते हैं और बाद में कल ये पक को भिजा देंगे। अभी मैं ये पक को भिजा देता हूँ पानी में, वो इसके अंदर भिजा दिया एडी पक, तो पानी के अंदर डुबा के रखा हुआ है। वो द बॉयस के साथ तबला कवर किया था, तबला बजाया था, तो वो आपको मिल जाएगी मेरे इंस्टाग्राम में भी मिल जाएगी, जाके फॉलो कर लेना गुरदीप सिंह ब्लॉग्स, आपको मिल जाएगा इंस्टाग्राम में सर्च मार लेना, मिल जाएगा आपको मेरा यूज़र प्रोफाइल, या तो आपको मेरे चैनल के शॉर्ट फीड्स में मिल जाएगा, शॉर्ट्स में जाके देख लेना द बॉयस। और एक और वीडियो बनाया है मैंने, तो वो है बेबी कम डाउन सॉन्ग में तबला कवर, तो एक और बनाने वाला हूँ, देखते हैं कौन से गाने में बनाऊँगा मैं, तबले के साथ बजाऊँगा। गाइस, ये जो जगह में वो लग चुके की लगे अबे, ये
गेट लग जाली होता है लोहा का, यहाँ में अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है। ये सब यहाँ से लेके यहाँ तक लग चुका है, दिखाई नहीं दे रहा है, पर लोहा का जाली लगा रहे तो ये पूरा जगह में उधर तक सब जगह लगाएंगे। और गेट शायद वो जगह में होगा एंट्रेंस। लंगर में 19 तारीख का जो प्रोग्राम है पग सेरेमनी का, वो सब का खाना खुना का सामान आ रहा है, अभी बना रहे हैं। 19 तारीख को जो प्रोग्राम है पग सेरेमनी का, तो उसके लिए सामान सुमून अब से ही काट के रखेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही आइटम्स बनने वाले हैं, कम से कम 10-12 शायद से, मैं बोल नहीं सकता, ज़्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है। तो ज़्यादातर आइटम, बहुत सारे आइटम्स बनने वाले हैं, तो इसलिए आज से ही बना रहे हैं, आज से काट कूट के रखेंगे, कल भी बनाएंगे, फिर परसों को लंगर देंगे, खिलाएंगे। और काफ़ी लंबा चलने वाला प्रोग्राम है, मुझे तबला तो सीख के रखना पड़ेगा, क्योंकि कल भी बजाना है, कल तो बाहर जाके कहीं बजाना है, और परसों को गुरुद्वारा में बजाना है, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग आने वाले हैं, सात संगत आने वाली है, तो फिर इसलिए खाना भी बहुत सारा बनने वाला है, देखते हैं कितना खाना बनेगा। तो अभी इसलिए मैं अभी तबला सीख के रखता हूँ, क्योंकि मुझे शाम को भी मैं बजाता हूँ ना दरबार में जाके, तो शाम को ही बजाता हूँ, फिर कल जाना है उसमें भी बजाना है, तो इसलिए अभी तबला सीख लेता हूँ। बज रहे हैं 11:40 और अभी जा रहे हैं नीचे, हमें बहन भी है और मैं, दोनों अभी नीचे जाएंगे, क्योंकि नीचे खाना खुना बन रहा है, दिखते हैं जाके क्या क्या बन रहा है। हम लोग जा रहे थे नीचे, बट मैंने रूम में आके फिर पग पहन बांध ली है, तो आज ऐसे ही बांधी है, 5-6 लड़की फिर से वैसे ही बांधी है, तो चलो चलते हैं नीचे लग करने। तो इससे बनेगी बेसन की बर्फी। मैं चाय पी रहा हूँ, चलो हो गया मेरी चाय पीता हूँ। अभी मैं रूम में आ चुका हूँ और अभी 4:10 हो रहे हैं, चाय पी के आया हूँ रूम में, क्योंकि अभी जो पग भिजा कर रखी हुई है ना पानी के अंदर, जो मार लाने के लिए, तो ताकि वो सॉफ्ट हो जाए, कोमल हो जाए, तो वो ही अभी निकाल के ना बाहर धूप में पाना है, क्योंकि थोड़ी देरी में धूप भी हटने वाली है, तो फटाफट डाल देता हूँ बाहर। तो उसको दूसरे रूम में रखा है, क्योंकि बाथरूम में रखना अच्छा नहीं होता है, पग है ना वो, तो इस इधर है, इसको रखो, ये रही पूरा भिज गई है, इसको ना एक बार निकाल के फिर से एक बार धो के फिर बाहर उधर डाल दूंगा, फिर पूरी सूख जाएगी, फिर कल पानी में आसानी होगी। तो और कल सुबह को जल्दी निकलना है 8 के करीब, तो सुबह को 5 के करीब 5:30 ऐसे कभी उठ जाना पड़ेगा कल, और परसों को भी जल्दी उठना पड़ेगा, क्योंकि परसों को और बड़ा प्रोग्राम है, और कल रुपाई जाना है, रुपाई में प्रोग्राम है, देखते हैं क्या प्रोग्राम है, पता नहीं है मुझे। तो अभी मैं पग को बाहर निचोड़ता हूँ, पानी में धोता हूँ, फिर बाहर डाल देता हूँ धूप में, एकदम हरा हरा पानी हो चुका है। सो पग अभी डाल दिए धूप में, धूप बस हटने वाली है लेकिन अभी भी है थोड़ी देर, तो इसलिए डाल दिए फटाफट। जा रहे हैं नीचे दरबार में पाठ ख़त्म होने वाला है ना, तो नीचे जाएंगे। और ये जो पग है तो ये अभी सूख गई है, बस थोड़ा बहुत अभी थोड़ी हवा हुआ चल रही है तो ठीक है, थोड़ा बाद में आके जब रात को आएंगे तब उठा देंगे इसको। तो अभी मैं जाता हूँ दरबार में जाना है, क्योंकि पाठ ख़त्म होने वाला है, तबला भी बजाना है, तो चलो चलते हैं। तो अभी सर आएंगे तबला वाला, मैं ढोल तबला और ढोल बजा के आ चुका हूँ, तो सर आने वाले हैं तबला सिखाने के लिए, तो सीखता हूँ। अनु लाओ चाबी दो, चाबी दे,
सबला बोरा में कपड़े जो कल पहनने हैं वो सब रखे हैं, तो कल की तैयारी कर रहे हैं। और पग तो बोरी अभी उतार देंगे थोड़ी देर में, तो तबला ये रहा, मैं तबला सीखता हूँ। तो मैं ये रूम में आ गया हूँ, बहन तो जा चुकी है अभी नीचे लंगर में, और मम्मी पापा भी नीचे ही है लंगर में, अभी वो लोग खाना खुना लेके आएंगे रात का। और मैं अभी तबला सीखूँगा, तबला ये रहा सीखता है। सर पता नहीं आए नहीं अभी तक, तो कितना टाइम हो गया है अभी, 7:24 हो चुके हैं, अभी तक सर आए नहीं है, देखते हैं आने ही वाले होंगे, 7 बजे ही आ जाते हैं, देखते हैं 7:30 बजे तक तो आ जाएंगे, 1 घंटा सिखाएंगे फिर चले जाएंगे। ऐसा ही बज रहा है 9:10 और सर अभी तबला सिखा कर जा चुके हैं, और कल की तैयारी कर ली है, तो कल का पजामा कुर्ता की तैयारी भी हो चुकी है, पजामा कुर्ता जो पहन के जाना है उसके कपड़े की, और जो पग है वो सूख चुकी है उसको भी रख दिया रूम में, तो कल तो मजा आएगा, रुपाई जाना है तो देखते फिर कल मिलता हूँ। सो गाइस आज व्लॉग के लिए बस इतना ही, तो अगर आपको ये वाला व्लॉग पसंद है लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, मैं मिलता हूँ अगले व्लॉग में, टिल देन टेक केयर एंड बाय।